प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन, कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, कहा कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ किया कुठाराघात। आज प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के निर्देश पर अजमेर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कलेक्टर पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक सिंह राठौर ने बताया कि सत्ता में आने से पहले युवाओं से वादा किया था कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन एक साल सरकार को होने वाला है, अभी तक बेरोजगारी भत्ते का कोई अता पता नहीं है। वहीं सरकार ने जिस तरीके से स्टेट टोल लागू कर लोगों पर आर्थिक दबाव बनाया है, उसके विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याण योजनाओं से जैसे भामाशाह योजना, आयुष्मान योजना को बंद कर दिया है। इसके साथ ही सरकार के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के विधायकों को ध्यान देने में लगी है। आज प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश व्यापी धरने, प्रदर्शन व ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस क्रम में अजमेर भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन में जो जन विरोधी कांग्रेस सरकार ने एक तो निजी स्टेट हाईवे टोल टैक्स पर निजी वाहनों पर जो टोल टैक्स चालू किया उसके, और दूसरा जो बेरोजगारी भत्ते का जो वादा किया था कांग्रेस ने, वो उसका कोई अभी तक इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। एक तरह से पूरा युवा, पूरा प्रदेश परेशान है, और स्टेट हाईवे पर जो एक आम आदमी पर जो आर्थिक का बोझ जो डाला जा रहा है, इसके खिलाफ हमने आज धरना और ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हम ये आपके मीडिया के माध्यम से आम जन से ये निवेदन करते हैं कि इस ऐसी जन विरोधी कांग्रेस सरकार को इन नगर निकाय चुनाव में करारा जवाब दे, ताकि ये जो आप लोगों से जो वादे किए हैं, पूरे प्रदेश से जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। दूसरा, इस जो पिछली सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएँ थी, वो जन कल्याणकारी योजनाएँ भी बंद कर दी। अगर आपका वित्तीय कुप्रबंधन है, अगर इस वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से ये जन कल्याणकारी योजनाएं कहीं ना कहीं अटकी है या बंद कर दी गई है, जैसे भामाशाह योजना है, आयुष्मान योजना ये लागू नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपसे ये, अगर ये कुप्रबंधन आपसे अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं संभल रहा, तो आप ये हमें सौंप दें। हम आराम से पिछली सरकार और भी पहले के कार्यकाल में हमने व्यवस्थाएँ संभाली है और संभाल लेंगे। दूसरा, पूरे प्रदेश के अंदर महिला उत्पीड़न के केस बढ़ते जा रहे हैं, कानून पे कोई इनका नियंत्रण नहीं है, सारा पूरा प्रदेश में जनता त्राई त्राई कर रही है, और इनके सीएम और डिप्टी सीएम दोनों दिल्ली के अपडाउन कर रहे हैं, और जो महाराष्ट्र से जीते हुए कांग्रेसी विधायकों को लंच और डिनर और घुमाने में व्यस्त हैं। इनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, और इनको कहीं भी चिंता इनके नज़र नहीं आ रही। इसलिए आज हमने ये ज्ञापन दिया है, जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दिया गया है। दीपक सिंह राठौर, युवा। देखिए, राजस्थान के अंदर लगभग एक साल पहले कांग्रेस की सरकार गठित हुई, और गठन के बाद से ही जिस तरह से गलत कार्य हो रहे हैं, गलत से मेरा मतलब है कि जन कल्याणकारी कार्य न होकर के आम जनता उसे त्रसित हो रही है, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हुई, ये सब इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कई बार इनकी आंखें खोलने का प्रयास किया है। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर माननीय वसुंधरा जी ने जो स्टेट हाईवे के ऊपर टोल टैक्स लगता था उसको माफ़ किया, उसको फ्री किया, लेकिन इस सरकार ने भी करीब 15-20 दिन पहले ही उसको वापस चालू किया। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, और इसके साथ साथ में इन्होंने जो चुनाव हुए उस वक्त 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, और उस एक लुभाव ने उस मुहावरे के साथ में इन्होंने सत्ता में हासिल हुई। लेकिन इन्होंने आज से कितने लोगों को सक्रिय बेरोजगारी भत्ता दिया, कितने लोगों को नहीं दिया, ये अभी कोई स्पष्ट पिक्चर नहीं है, और इसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं किसी की नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि ये भत्ता चालू भी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब कारण ऐसे बने हुए कि आज युवाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ, और इसके साथ साथ में इनकी जो अपनी प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन है, वो इतना ख़राब हो चुका है कि जितने भी डेवलपमेंट के काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर चालू हुए वो सब ठप हो गए, वो सब बंद हो गए, और या कुछ बंद होने के कगार पे हैं कि कारण ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, और ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ खड़ी हो गई जिसे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को भी चालू कर रखी थी, और उनका वित्तीय प्रबंधन इतना बढ़िया था कि जितने डेवलपमेंट के काम जो उन्होंने प्रारंभ किया आराम से पूरे हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस शासन आते ये सब विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो गई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह का प्रदर्शन और धरने का कार्यक्रम किए हैं और माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी दिया है ताकि सरकार की आंखें खुलें और सरकार ऐसे कार्य वापस डेवलपमेंट के काम चालू करे और जो योजनाएं जन कल्याणकारी बंद पड़ी उनको चालू करे और जो आज आम जन के अंदर जो आक्रोश है उस आक्रोश को इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को बताने के लिए आज ये कार्य किया है। और अब भी अगर सरकार नहीं चेती है तो वो दिन दूर नहीं होगा, 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने के अंदर ही ये सरकार धराशायी होगी और वापस जन कल्याणकारी वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर राजस्थान में काबिज होगी, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ।